Hi guys, I'm Shuparna and welcome to my YouTube channel. आजकल हम लोगों को घर का खाना खाना या फिर हेल्दी खाना खाना उतना पसंद नहीं है। हम लोग ज्यादातर जंक फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और वो आपको खाने में बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसे आप आसानी से घर पे बना भी सकते हैं और खा सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है सत्तू का रोटी या फिर पराठा। सत्तू को हम बंगाली में छातू भी बोलते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसको आप सुबह या फिर दोपहर या फिर रात को भी खा सकते हो। मैं ज्यादातर इसको सुबह खाती हूँ। सो इसमें जो सत्तू है या फिर जिसको हम छातू बोलते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और फायदेमंद है। सत्तू से हमारा वेट लॉस होता है, वो हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यू हैव डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, इट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट हेल्प्स यू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिंस फ्रॉम बॉडी एंड मैनेज योर वेट। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म एंड योर ओवरऑल एपेटाइट, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू एनर्जी। पेट को ठंडा रखता है और आपके स्टमक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो गाइस, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए बिकॉज इट्स हेल्दी एंड इट्स टेस्टी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन वेट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन आइकन, एंड यू गाइस कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा। आल्सो इफ यू गाइस लाइक दिस रेसिपी तो डू हिट अ लाइक एंड कमेंट डाउन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा, 1/2 कप आटा, 1 कप सत्तू या फिर छातू, थोड़ी सी चीनी, स्वाद अनुसार नमक और कुछ हरी मिर्ची और थोड़ा सा अजवाइन चाहिए। और आपको चाहिए रिफाइंड ऑयल और साफ पानी। एक बोल में 2 कप मैदा ऐड कीजिए। अभी उसी बोल में 1/2 कप आटा ऐड कीजिए। उसमें अभी अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए। अब उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कीजिए। अभी उसी बोल में परिमाण अनुसार पानी ऐड कीजिए और उन सारे चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके भी पानी ऐड कर सकते हैं ताकि इस आटे और मैदे के मिक्सचर को मिक्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इसको अच्छे से आप मसल पाए। फाइनली अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद और मसलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये डो अच्छे से रेडी है। अभी इस मिक्सचर को ढककर अब 30 मिनट्स के लिए रख दीजिए। अभी एक दूसरे बोल में 1 कप छत्तू यानी कि छातू ऐड कीजिए। उसमें अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए।
अभी अगर आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पर एक हरी मिर्ची ऐड किया है। आप चाहो तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं किया है। इसमें अभी एक छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर लीजिए। अभी इसमें एक चौथी चम्मच चीनी ऐड कर लीजिए। अभी आप इसमें अपने परिमाण अनुसार पानी ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको आप अपने हाथों से तब तक अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक कि ये स्टफिंग अच्छे से रेडी ना हो जाए। फाइनली छत्तू का जो स्टफिंग है वो रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इस छत्तू के स्टफिंग को ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अभी उस डो से एक लॉग जैसा बना लीजिए और उससे छोटे छोटे पेड़िया बनाना शुरू कीजिए। उस डो के पेड़िया बनाने के बाद उस स्टफिंग के भी छोटे छोटे पेड़िया अब अलग से बना लीजिए। अब आप इन पेड़ियों को अपने हाथों के प्रेशर से थोड़ा बहुत स्प्रेड कर लीजिए और इनको थोड़ा बहुत राउंड कर लीजिए ताकि आप इसके अंदर स्टफिंग भरना शुरू कर पाए। अभी आप इन पेड़ियों के अंदर अपने स्टफिंग को ऐड कीजिए और उसको अच्छे से सील कर दीजिए। अभी आप एक एक करके उन सारे पेड़ियों के अंदर उस स्टफिंग को ऐड कीजिए, उनको अपने हाथों से हल्का सा प्रेस कीजिए और उनको अच्छे से सील कर दीजिए। अभी आप इस स्टफ किए हुए डो के ऊपर से थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिए या फिर स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रोल कर पाए। अभी आप इस डो को अपने हाथों से हल्का सा फ्लैट कर लीजिए और इसको रोल करना स्टार्ट कीजिए। अभी आप सारे स्टफ किए हुए डोस को एक एक करके अच्छे से रोल कर लीजिए। अभी आप इस रोटी को सेकने के लिए गैस में तवा ऐड कर लीजिए और उसे थोड़ा गर्म होने दीजिए। हमने यहाँ पर लोहे का तवा यूज़ किया है, आप चाहे तो नॉनस्टिक का तवा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोहे का तवा यूज़ करोगे तो आपको आँच नॉर्मल रखना होगा। अगर आप नॉनस्टिक का तवा यूज़ करोगे तो आँच को नॉर्मल से थोड़ा कम रखना पड़ेगा। अभी आप इन रोटियों को अच्छे से सेक लीजिए। इन रोटियों को फ्लिप करते रहिएगा ताकि ये रोटियां जल ना जाए। अभी एक रोटी सेकने वाला जाला या फिर नेट लीजिए, उसको गैस के ऊपर लेके रोटियों को फिर से सेकिए ताकि रोटी और भी ज्यादा क्रंची बने। आप चाहो तो ये वाला स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन इससे रोटियां और भी ज्यादा मजेदार बनती है। अभी आप पराठा या फुलके बनाने के लिए एक कढ़ाई लीजिए, उसको गैस में बिठाइए और रिफाइंड ऑयल ऐड कीजिए और उस तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें फुलके बनाने शुरू कीजिए। फुलके बनाते वक्त आपको आँच मीडियम रखना होगा। फुलके को अच्छे से दोनों साइड से तल लीजिए ताकि वो अच्छे से बन पाए। हमने यहाँ पर फुलके बनाए थे इसलिए हमने कढ़ाई यूज़ किया और तेल थोड़ा ज़्यादा लिया था। अगर आपको पराठा बनाना होगा तो आप इसी कढ़ाई में थोड़ा तेल देकर आप पराठा बना सकते हो, या फिर किसी नॉनस्टिक पैन या फिर तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर आप पराठा सेक सकते हो। मुझे क्रंची पराठा ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने तेल कम यूज़ किया है। ज़्यादातर सत्तू का रोटी खाना पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा भी ऑयल नहीं जाता और पराठे में थोड़ा बहुत ऑयल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो सत्तू का रोटी है वही खाना पसंद। तो इसे वेज और नॉन वेज दोनों लोग खा सकते हैं। अगर आप वेज हो तो आप इसे राजमा छोले या फिर कोई भी ग्रिल सब्जी के साथ खा सकते हो। अगर आप नॉन वेज हो तो इसे एग चिकन या फिर कोई भी नॉन वेज सब्जी के साथ आप इसे खा सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Hope you guys like this recipe and this video. Thank you guys for watching. Love you all. And bye. And see you next time. Until then, stay fit, stay healthy.